कहीं कहीं जो अपेक्षा है बिहार सरकार से मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का बेटा से, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग निश्चित तौर पर उसे उसका कार्यान्वयन करेंगे, उसको अंजाम देंगे। बहुत बहुत हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमाम हुसैन और आप देख रहे हैं HD बिहार ब्लॉग। डेली वीडियो की तरह मैं आज अपना ब्लॉग वीडियो लेके आया हूँ। मेरा भाई है और कटिहार हम लोग फ्लाई ओवर जो नया बना है उसी का आज वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे भी हम लोग रूबरू कराएंगे आपको और उनके बारे में, इस फ्लाईओवर के बारे में क्या क्या बताएंगे सब आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये नया फ्लाईओवर जो कटिहार से पूर्णिया के लिए रवाना होती है, यहाँ से लेकर आपको जितना उधर आगे तक दिखाई दे रहा है पूरा ये पूरब साइड है। अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम की ओर, देख सकते हैं फ्लाईओवर का पश्चिम साइड है ये, यहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं पूरा भीड़ लगा हुआ, यहीं पे तारकिशोर प्रसाद जी हैं, यहाँ पे हम आपको लिए चलेंगे और मिलाएंगे हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री कटिहार का लाल श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे हम मिलाएंगे आपको रूबरू कराएंगे। माननीय श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, हमारे बीच बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक और कटिहार नगर निगम के पूर्व महापौर श्री विजय सिंह जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जिन्होंने भारत के विकास में अपनी भूमिका दर्ज की और लगातार कटिहार जब भारत में भारत के सचिव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी और 2005 से हम सब बीच के दो वर्षों को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब बिहार और भारत के विकास की गाथा को लिख रहे हैं। मित्रों, 2005 के बाद के बिहार को आप देखे, लेकिन 2005 के पहले के बिहार को भी लोगों ने देखा है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन में कहीं कहीं बिहार के परिवर्तन में कटिहार की भी एक तस्वीर है। जब मैं एक वर्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया तो स्वाभाविक है कि कटिहार का बेटा होने के कारण आपकी जो आशाएं हैं, जो आपकी अपेक्षाएं वो बढ़ी है। कहीं कहीं कटिहार के बदलते सूरत और उसके तस्वीर को आप हमने देखने का काम किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं जो हमसे आपकी जो अपेक्षाएं हैं, हमारा प्रयास है उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे, उसमें आपकी ताकत की जरूरत है। क्योंकि तो लगातार 2019 से कोरोना का जो वैश्विक संक्रमण हुआ, जहां विकसित देश घुटने टेक दिए, लेकिन हमारी सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों तक मुफ्त में अनाज और मुफ्त में टीकाकरण पहुंचाकर देश में एक बड़ी ताकत दी है। देश के प्रति सरकार के जवाबदेही को कहीं कहीं सुनिश्चित करने का काम किया है। जब कोई सरकार काम करती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो उसकी जो प्रतिबद्धता होती है जो आम लोगों के बीच, उस प्रतिबद्धता को उन्होंने कहीं कहीं एक साख, उस प्रतिबद्धता की एक साख बनी। मित्रों, हम जिस दल से आते हैं, जिस सरकार के मातहत काम करते हैं, उन दोनों सरकारों ने अपनी साख बनाई है। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने साख बनाई है और देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने साख बनाई और यही हमारी उपलब्धता है। NDA जब काम करती है, और हमारे अभी माननीय सांसद जी ने विस्तार से कटिहार के विकास की कहानी की गाथा को कहने का काम किया है, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में
हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कटिहार ये जो जल जमाव होता है उसकी निकासी के लिए हम कोई ठोस प्रबंध करें, और इसीलिए 220 करोड़ की लागत से 2 अरब 20 करोड़ की लागत से हमने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की निविदा की, और वह निविदा अंतिम चरण में है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो 3 फेज में जो आउटफॉल बनना है उसका प्रथम फेज का काम शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। जब हम नगर विकास और आवास विभाग के दायित्व आप देख रहे हैं, ये पूरब साइड है, पूरब साइड का फर्स्ट हम लोग अभी पूरब की ओर चल रहे हैं पश्चिम से। इससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को आप लोग अगर HD बिहार ब्लॉग से देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये हमारे तारकिशोर प्रसाद जी, ये हमारे तारकिशोर प्रसाद जी अब चल रहे हैं, इनको फिर 2 तारीख को आना है। ये हमारे तारकिशोर प्रसाद जी चले निकल गए हैं भाषण लेकर के, देख सकते हैं ये फ्लाई ओवर है, ये पूरब साइड ऊपर में अभी इसका काम होना है, इसमें पूरा इसमें शीशा लगेगा, उसके बाद फिर ये और चमकदार लगेगा। हम आपको फिर इसका अगला जो वीडियो आएगा हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये हो गया ट्रेन, ये ट्रेन जो आ रही है देख सकते हैं आप, आप कटिहार का जो स्टेशन घुस रही है, थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, ये इसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ है, जंप हो रहा है, ये देख सकते हैं ट्रेन कटिहार पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। तो बहुत अच्छा देख सकते हैं हमारे तारकिशोर प्रसाद जी रवाना हो चुके हैं यहाँ से, अब उनका स्वागत भी हो चुके हैं सब। ये है हमारे फ्लाईओवर। अगर हमारे चैनल HD बिहार ब्लॉग में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब इसमें आपको पता चलेगा इसमें से गाड़ियां बहुत सारी निकलेगी। इसमें से ओनली गाड़ी वगैरह ही चलेगी, और ये जो बगल में आप देख रहे हैं इसमें से जो है वे टू पैदल आदमी जो है पैदल चलेगा इसमें से, और यहाँ से आपको गाड़ी वगैरह देखने के लिए चलेगी इसमें गाड़ी, जो नया फ्लाई ओवर है इसमें से आपको चलने के लिए मिल जाएगी। सकते हैं अब गाड़ी ओपनिंग होने के बाद गाड़ियाँ चलने लगी है, 1x1 सब गाड़ियाँ आ रही है। ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं इधर से भी जा रही है, पूरब से गाड़ी जा रही है, पश्चिम से भी। ये उद्घाटन होने के बाद का नज़ारा है, ये पूरा ये पैदल पहले चल रहा था, अभी गाड़ी भी चलने लगी है। हमारे जो कटिहार है ये धरती, श्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हीं का योगदान है, और हमारे जो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं